नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी अग्रवाल है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम अ प्रिंसिपल कंसल्टेंट इन ऑब्जन गायनी इन क्लाउड 9 हॉस्पिटल पटपड़गंज दिल्ली, और मेरा अपना क्लिनिक आराध्या मदर एंड चाइल्ड केयर शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद में है। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, जो कि है फाइब्रॉइड्स। काफ़ी सारे लोग, जानकार लोग, संबंधी आदि भी, और काफ़ी पेशेंट्स आते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, जो कि है फाइब्रॉइड्स। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि फाइब्रॉइड्स होता क्या है। फाइब्रॉइड्स इज अ बिनाइन ग्रोथ, यानी कि एक छोटी सी एक बढ़त है शरीर में किसी भी तरह की किसी चीज़ की, परंतु ये बिनाइन है, यानी कि ये कोई कैंसर जैसी चीज़ नहीं है। इस तरह की बढ़त या इस तरह का गोलाकार डेवलपमेंट हमारी यूट्रस यानी कि गर्भाशय के अंदर जब होता है तो उसको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। सो फाइब्रॉइड्स एक यूट्रस की या गर्भाशय की मसल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ को कहा जाता है, जहाँ पे कि वी फाइंड छोटे 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 या बड़े अलग अलग आकार के गोलाकार आकार के कुछ बिनाइन ग्रोथ्स बन जाती हैं, जिनको हम फाइब्रॉइड या रसौली कहते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स है क्या? जैसे कि मैंने कहा कि ये बिनाइन है, यानी कि मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दे आर नॉट कैंसरस। वेरी वेरी रेयर केसेस में फाइब्रॉइड्स में कैंसर का डेवलपमेंट होता है। मोस्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ द फाइब्रॉइड्स में कोई कैंसर नहीं होता। ये अलग अलग तरीके के होते हैं और यूट्रस में भी अलग अलग जगह पर डेवलप होते हैं। साइज बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक हो सकता है। आजकल क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड आदि की फैसिलिटी बढ़ गई है और हम अपनी प्रॉब्लम्स के कारण अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेते हैं, तो कई बार कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी हम कोई फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर पता चल जाता है हमें कि हमारे अंदर फाइब्रॉइड बैठा है, और हम चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है जो हमारे अंदर डेवलप हो रही है। तो पहले बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स यदि हमारे शरीर में हैं तो वो दिक्कत क्या कर सकते हैं। सबसे कॉमन दिक्कत फाइब्रॉइड्स जो करते हैं वो है महावारी का ज़्यादा होना, यानी हैवी मेंसेस होना, पीरियड्स ज़्यादा देर तक आना, ज़्यादा लंबे समय तक आना, या ड्यूरिंग पीरियड्स आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, क्लॉट के फॉर्म में ब्लड बाहर निकलता है। ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है, कॉमनेस्ट सिम्टम है फाइब्रॉइड होने का। उसके बाद आता है दर्द, यानी कि पीरियड के दौरान दर्द का होना। कई बार पहले से दर्द नहीं होता, फिर बाद में दर्द होना शुरू हो जाता है महावारी के दौरान। ये इस डिसमेनोरिया के होने का कारण भी फाइब्रॉइड हो सकता है। तो ये दो कॉमनेस्ट तरीके हैं जिसके कारण हम फाइब्रॉइड को पकड़ लेते हैं, या फाइब्रॉइड ये दिक्कत हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा करता है। तीसरा, जैसे कि मैंने कहा कि बिना कोई रीज़न के या बिना किसी प्रॉब्लम के हम फाइब्रॉइड पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और चीज़ के लिए और हमें अपने शरीर में एक फाइब्रॉइड नज़र आ गया। क्या हर फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है? अगर फाइब्रॉइड छोटा है, से 1 or 2 सेंटीमीटर्स का है, आपके पीरियड्स में कोई दिक्कत नहीं कर रहा, आपको किसी प्रकार का कोई पेन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं रहा, ऐसे फाइब्रॉइड को आराम से छोड़ा जा सकता है। आपको उसके लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत है, आप 6 महीने में एक बार रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। अगर वो उतने ही साइज़ का है तो आप उसको छोड़ के भूल भी सकते हैं। परंतु यदि फाइब्रॉइड थोड़े बड़े साइज़ का है, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा, और इम्पॉर्टेंटली उसका लोकेशन क्या है, यूट्रस के अंदर भी यदि वो अंदर झिल्ली के पास है जहाँ से हमें ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स छोटे होते हुए भी ब्लीडिंग ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो ब्लीडिंग ज़्यादा करने के चांसेस होते हैं यूट्रस की मसल के अंदर, उनको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, और जो बाहर की तरफ होते हैं उन्हें हम सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तो जितना बाहर की तरफ यूट्रस के होता चला जाएगा फाइब्रॉइड, उतना उसके दिक्कत करने के चांसेस कम होते हैं, और जितना वो अंदर की तरफ होगा उतना उसके प्रॉब्लम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि छोटा फाइब्रॉइड है, थोड़ा बाहर की तरफ है, आपको ना दर्द कर रहा है, ना महावारी में कोई दिक्कत है, ना अदरवाइज कोई और पेन है आपको किसी भी तरह का नीचे के शरीर में, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि छोटा फाइब्रॉइड भी है, ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा है, तो कई बार हमें उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है?
छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहे, थोड़ी ब्लीडिंग क्रिएट कर रहे हैं, उनको सिंपल मेडिकेशन जो कि ब्लीडिंग कंट्रोल करने की होती हैं उनको हम दे देते हैं। फाइब्रॉइड का साइज कम करने की कुछ नई दवाइयाँ आई हैं आजकल हमारे पास, परंतु उनसे कई बार कुछ और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उनका यूज़ थोड़ा सा कम हम करते हैं। यूजुअली या तो फाइब्रॉइड की ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयाँ ड्यूरिंग मेंसेस देते हैं, या अगर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग है कि वो दवाइयों से भी कंट्रोल में नहीं आ रही है तब उनको हमें ऑपरेट करना पड़ सकता है। अब सर्जरी अगर हमें फाइब्रॉइड की करनी है तो ये किस प्रकार की सर्जरी होती है? क्या केवल फाइब्रॉइड रिमूव किया जाता है या पूरा गर्भाशय यानी कि पूरे यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है? छोटे फाइब्रॉइड्स, अगर फाइब्रॉइड्स हमारे शरीर में हैं और किसी यंग वुमन में, यानी किसे अगर आप अपने 30s में हैं या अभी आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आप बच्चे चाहते हैं, या आपका फाइब्रॉइड आपको कंसीव करने में यानी कि बच्चा रुकने में आपको दिक्कत कर रहा है, तो ऐसे में कई बार हम केवल फाइब्रॉइड रिमूवल की सर्जरी करते हैं जिसको मायोमेक्टमी कहा जाता है। मायोमेक्टमी में केवल फाइब्रॉइड को रिमूव कर दिया जाता है, और यदि पूरा यूट्रस रिमूव करना पड़ता है तो उसको हिस्टरेक्टमी कहते हैं, यानी कि फुल यूट्रस का रिमूवल अलॉन्ग विद द फाइब्रॉइड। सो मायोमेक्टमी उन केसेस में की जाती है जहाँ आपको अभी अपना यूट्रस को प्रिजर्व करना है, आपकी छोटी उम्र है या आपको बच्चे चाहिए, तो उन केसेस में हम मायोमेक्टमी करते हैं। यदि आप अपने 40s में हैं या इवन लेटर अर्ली 50s में हैं, आपको ब्लीडिंग के इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, फाइब्रॉइड के साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ऐसे केसेस में पूरे यूट्रस को फाइब्रॉइड के साथ रिमूव कर दिया जाता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मेरी महावारी अब ख़त्म होने वाली है, यानी कि मैं मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हूँ, तो ये अपने आप ब्लीडिंग हो सकता है ख़त्म हो जाए। कभी कभी ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि ब्लीडिंग इस प्रकार से आगे ख़त्म नहीं होती और वो आगे चलकर भी मेनोपॉज के बाद भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो ये डिसीजन लेना कि आपके फाइब्रॉइड को हम छोड़ सकते हैं, केवल मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं या ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके एग्जामिनेशन, आपकी चेकिंग के बाद ही हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं। तो सार ये है कि हर फाइब्रॉइड दिक्कत वाला नहीं होता। कोई भी छोटे फाइब्रॉइड को अल्ट्रासाउंड में देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। यदि वो आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा तो आप फाइब्रॉइड को छोड़ भी सकते हैं, परंतु यदि ये हैवी महावारी या पेन या इस तरह की दिक्कतें क्रिएट कर रहा है तो हमें और ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। फाइब्रॉइड का प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट किसी प्रकार की डाइट से अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है, जिसके कारण थकान, बॉडी एक, अलग अलग तरीके के मायल्जियाज, परेशानी होना, ये काफ़ी कॉमन है। उस समय में हमें अपनी डाइट का और एक्स्ट्रा ध्यान रखना है जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो पाए, और आयरन की और बाकी विटामिन्स, फोलिक एसिड आदि की कमी को पूरा करने के लिए हम डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, अनार, दालें, पनीर, अंडा, यदि हम नॉन वेज फूड लेते हैं तो वो, इस तरह अपनी डाइट को एक वेल बैलेंस्ड डाइट रखें जिससे कि हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। परंतु डायरेक्टली हम फाइब्रॉइड को किसी भी प्रकार के खाने से रोक नहीं सकते या उसकी ग्रोथ को कम नहीं कर सकते। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस तरह के वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।